तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द गार्डन पाथवे पर। तो फाइनली आज हमारा एक जो हमने कटिंग लगाई थी स्नैक प्लांट की, उसमें देखिए थोड़ा बहुत ग्रो होने चालू हो गया है और उसमें साइड से एक नई पत्ती निकल रही है। तो इस चीज़ का हमने शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पर डाला हुआ था कि हमने किस तरीके से कटिंग से ही इसको उगाने की कोशिश की थी। और ये देखिए फाइनली हमारा जो रिजल्ट है वो मिल चुका है और इसमें देखिए साइड साइड एक नई पत्ती होना चालू हो गई है। इस हिसाब से हमारा ये जो प्लांट है सक्सेसफुली लग चुका है। तो और ये एकदम फ्री में हमें ये पौधा प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से स्नैक प्लांट का पौधा आप भी तैयार कर सकते हो। तो अब ये देखिए बस एक कटिंग बोतल पे ही हमने लगाया था। ये एक छोटा सा अपडेट वीडियो है। तो दूसरा वीडियो मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ ये गुड़हल की कटिंग है, जिसका भी वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है और इसका आप रिजल्ट देख सकते हो कि इसमें देखिए कलियाँ भी आना चालू हो चुकी हैं। तो इस तरीके से हमारा ये भी प्लांट एक सक्सेसफुली जड़ पकड़ लिया है और इसको भी हम एक नए गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। और इसकी हाइट आप देख सकते हो ये कितना अच्छा हुआ है। और ये भी एक तरीके से हमारा फ्री का ही प्लांट है और इसमें देखिए छोटी छोटी कई कलियाँ आ चुकी हैं। तो आप गुड़हल के पौधे को भी एक आसानी से कटिंग के ज़रिए लगा सकते हैं। और ये नॉर्मल मिट्टी में लगा हुआ है जिसमें पोटेशियम और कैल्शियम की मात्रा ठीक ठाक है। और इसकी आप जड़ें भी देख सकते हैं कितनी अच्छे से ग्रो हुई हैं। तो अगर आप गुड़हल का लगाना चाहते हैं तो गुड़हल भी लगा सकते हो। और ये एकदम ही फ्री का है, देखिए एक कटिंग बोतल की कटिंग काट के हमने उसी में ही लगा लिया था। तो ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप लेके आप भी अपने घर की बागवानी तैयार कर सकते हो। तो इसके बाद एक ये एक हमारी एक कटिंग थी, ये गुड़हल के रेड जो गुड़हल आता है देसी वाला सेडेड कलर का, ये उसका कटिंग है। इसका भी वीडियो हमने शॉर्ट वीडियो डाला था और इसमें आप देख सकते हैं कि ये भी पौधा अच्छे से पकड़ लिया है। तो इसको भी आप अपने यहाँ लगा सकते हैं और ये भी एक तरीके से फ्री में ही हमने ये पौधा जर्मिनेट किया है। तो अब इसको हमें क्या करना होगा, नए नए गमले में शिफ्ट करना होगा। तो अभी ये देख रहा हूँ ये भी एक गुड़हल की कई कटिंग हमने लगा रखी है बांटने के लिए अपने अड़ोसी पड़ोसियों को। तो इसमें देखिए कि ये भी फ्री में ही जर्मिनेट हुआ है और इसमें भी कोई पैसा हमारा नहीं लगा है और एक अच्छे से सभी पौधे हमारे पकड़ लिए हैं। तो देख सकते हैं कि हमारी ये कटिंग सक्सेसफुली ग्रो हो चुकी है। तो आप इसे लगाना चाहते हो तो आप इसे भी लगा सकते हो। और देखिए हमने वो जो गुड़हल का सामने पौधा दिख रहा है उसी को ही जब छटाई की थी उसमें जो कटिंग निकली थी उस कटिंग को हमने लगा दिया था। इसका भी पूरा वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने एक दो तीन और ये देखिए ये ट्रम्पलेट वाइन का पौधा तैयार किया है। इसको भी हमने कटिंग से ही तैयार किया है और इसमें कुछ खास किया थोड़ी ना, मतलब ये देखिए ये ड्रैगन फ्रूट का पौधा है, उसमें इसमें इसकी कलम काट के और इसमें डाल दिया। और ये देखिए मौसम अच्छा चल रहा है, बसंत का सावन का मौसम है, ह्यूमिडिटी बनी रहती है। तो ये देखिए ये पौधा भी पकड़ लिया है। तो एक तरीके से देखिए ये भी हमारा पौधा फ्री में तैयार हो जाएगा। अभी आप ये जो देख रहे हो ये क्रूटॉन्स का पौधे हैं। क्रूटॉन्स को भी हमने कटिंग से ही लगाने की कोशिश की थी और ये सक्सेसफुली पकड़ चुकी है। इसमें देख सकते हैं कि ये कटिंग हमने लगाई थी सभी और हमारी लगभग सारी कटिंग आसानी से पकड़ चुकी हैं। दिखा देते हैं, क्रूटॉन्स को पकड़ने में थोड़ा सा वक्त लगता है और इसकी आप ग्रोथ देख सकते हो कितनी अच्छी बढ़िया ग्रोथ हो चुकी है। तो ये क्रूटॉन्स के पौधे अगर आपके आसपास हैं, इसका तो बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं, तो उसकी कटिंग काट लीजिए और उसको अपने गमले में लाइन से लगा दीजिए और क्रूटॉन्स पकड़ लेगा अच्छे से। तो आप क्रूटॉन्स को भी लगा सकते हैं और ये एकदम फ्री में अगर लेने जाएंगे तो भाई आपको पता ही रेट क्या चल रहा है और इसके बारे में तो आप सभी को पता ही है।
ये अंजीर का पौधा है, इसे भी कटिंग से ही लगाया गया था और इसके आप ग्रोथ देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ है, रूटिंग भी इसमें आ रही है बराबर। इसका पूरा प्रोसेस किस तरह से हमने इसको लगाया, कैसे हम रूटिंग लेते हैं, इसका पूरा वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और अपने बगीचे में या अपने गार्डन में ये आप पौधा लगा सकते हैं। और अंजीर के तो आपको पता है कितने ही फ़ायदेमंद पौधा होता है, और इसका जो फ्रूट होता है वो भी हमारे शरीर के लिए कितना अच्छा होता है। और ये लगभग देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 15 इंच के गमले में लगा हुआ है और बढ़िया से हो रहा है। तो आप बताइएगा कि आपको हमारा ये जो नया वीडियो है कैसा लगा। तो आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप कोकोपीट को अपने गमले के लिए तैयार कर सकते हैं और अपनी छत को काफ़ी ज़्यादा वजन से कम कर सकते हैं। तो यहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।